हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं वीडियो लाया हूं मारुति सुजुकी की जो नई वैगनार है, न्यू वैगनार जो फेसलिफ्ट आ रही है 2020, और एस्प्रेसो। इन दोनों मॉडल्स में जो टच स्क्रीन टूड इन जो आ रहा है, उसके अंदर हम कैमरा कैसे लगाएंगे, वो किट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो कितनी आसानी से हम लोग लगा लेंगे बिना अपनी कार का कोई भी वायर कट किए बिना, हम उस किट को आसानी से खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये है ऑटोशॉप प्रोडक्ट जिसका आप किट देख रहे हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर पैकेज के अंदर एक तीन चीज अवेलेबल है। ये है हॉल्सा, यानी कि ड्रिल बिट है ये, इससे आप सुराख करेंगे पीछे जो बम्पर है उसमें। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। ये है कैमरा, आप देख सकते हैं जो कैमरा है वो है HD इंटेलिजेंट डायनेमिक ट्रैजेक्टरी कैमरा। और इस कैमरे की खासियत ये है कि ये HD है, वाटरप्रूफ है, 170 व्यूइंग एंगल है इसका, और एक साल की वारंटी है। ये देखिए आप, कुछ इस तरह का ये कैमरा है। इसके सामने ये स्टिकर लगा हुआ है, मैं ऐसे हटा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये फिश आई कैमरा है। ये देखिए, फिश आई मतलब पूरा 170 डिग्री पे ये देख सकता है आजू बाजू में, बिल्कुल साइड पूरी कवर करेगा। और डायनेमिक ट्रैजेक्टरी फीचर के साथ में अवेलेबल है। ये बेसिक फीचर यानी कि नॉन डायनेमिक ट्रैजेक्टरी फीचर में भी अवेलेबल है। ये कैमरा भारतीय बाज़ार में आपको नहीं मिलने वाला है। इस कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस क्वालिटी का कैमरा आपको भारतीय बाज़ार में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और इसका ये जैक है जो कि लगेगा आपकी जो वायरिंग है। ये वायरिंग है इसकी, आप वायरिंग भी देखिए, ये पूरी कॉपर वायरिंग है, हैवी गेज में है। और इस वायरिंग को आप कार में लगाने के बाद भूल जाइए कि ये ख़राब होगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। इसमें जो वायर लगे हैं टोटल कॉपर वायर हैं, बहुत हैवी गेज का वायर लगाया है हमने। हमने पूरा ध्यान रखा है कि इसको, क्योंकि हम मारुति के शोरूम्स में भी बेचने वाले हैं, तो कस्टमर को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा अनुभव होना चाहिए। आप ये जो है ये इजीली यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में आपका कैमरा आपके हमारी वेबसाइट में जहाँ भी ये लिस्टेड है प्रोडक्ट, उसके नीचे आपको इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल PDF में अवेलेबल है। वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड किस तरीके से इंस्टॉल करना है। बचता है ये दूसरा पार्ट इसका, ये तो आपका मीडिया नेविगेशन है, यानी जो कार के अंदर टच स्क्रीन रेडियो लगा हुआ है उसके पीछे ग्रीन करेक्टर खाली होता है, बस वहाँ पे इसको लगाइए, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही रिवर्स गियर में गाड़ी को डालेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये कैमरा व्यू करने लगेगा। ये ध्यान रखना है कि वैगनार में जो 2019 के मॉडल हैं उनमें नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसमें कैमरे को उन्होंने डिसेबल किया हुआ है। तो 2020 में जितनी भी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं वैगनार, न्यू वैगनार, उनमें सब में ये चलेगा, और जितनी भी मारुति एस्प्रेसो हैं उन सब में ये चलेगा। तो आप लोग अपनी कार की वारंटी को सेफ रखते हुए ये किट यूज़ कर सकते हैं। ईजीली हमारे वेबसाइट से ही अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये अमेज़न पर भी हमारे स्टोर से अवेलेबल है।
वहाँ अमेज़न पे लगभग 500 रुपये ये महंगी मिलेगी, क्योंकि अमेज़न का कमीशन होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और हमारे स्टोर से आप लोगे www.quidcarsolution.in से, तो वहाँ से ये आपको 500 रुपये कम में अवेलेबल होगा। प्राइस देखने के लिए आप जा सकते हैं। और आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं, जो भारतीय बाज़ार में कुछ कैमरे अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखिए, देखने में कैमरा आपको बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन इस कैमरे को आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर का जो लेंस है वो देखने में कितना घटिया और किस तरीके से वो लगाया हुआ है कि लगता है कि वो उसका एंगल ही बिल्कुल अलग है। और ये हमारा कैमरा है, आप देखिए हमारा कैमरा ये है। ये जो मार्केट में ये 300 रुपये का कैमरा अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो मेरा बेचने को भी मन नहीं करता, क्योंकि जो भी कस्टमर इसको लेगा वो कस्टमर इसको एक बार लगाने के तुरंत बाद इसको उतार देगा, क्योंकि इसकी विज़न क्वालिटी बहुत पुअर है। साथ ही साथ इस कैमरे को आप जैसे यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपको लगेगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो आपको वसूल हो गए हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सस्ते के चक्कर में अपनी गाड़ी का वारंटी को अवॉइड ना कराएं और ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जो कि सालों साल आपकी गाड़ी के साथ रहे और उसका कुछ फ़ायदा भी हो। ये नाइट विज़न कैमरा है। इसमें आप देखेंगे कि LED बल्ब कई कैमरे में लगे आते हैं, तो LED बल्ब किसी भी ओरिजिनल कैमरे में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कैमरा 5 वोल्ट से चलता है। और ये जो आफ्टर मार्केट सारे कैमरे आते हैं वो आते हैं 12 वोल्ट ऑपरेटेड। तो ये कैमरे बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, 300 रुपये में ये अवेलेबल है, लेकिन इसका लगाने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। इस कैमरे का जो ऑपरेशन वोल्ट है वो है 5 वोल्ट। यही कारण है कि आपको इस कैमरे के लिए पीछे टेल लैंप से कोई सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती। और कंपनी ने ऑलरेडी रेडियो में ये जो रेड वायर है यहाँ से रेडियो से ही 5 वोल्ट का करंट दिया है, तो ये कैमरा इससे ऑपरेट होता है। और इस कैमरे का जो वीडियो फॉर्मेट है वो स्पेशल फॉर्मेट है। सारे अगर आप इस कैमरे को लगाना चाहेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा आपकी गाड़ी की स्क्रीन को, तो चलेगा ही नहीं, वहाँ पे विज़न दिखेगा ही नहीं आपको। तो ये जो कैमरा है ये दो फॉर्मेट में उपलब्ध है हमारे पास, एक तो नॉन डायनेमिक ट्रेजेक्ट्री कैमरा और एक इंटेलिजेंट डायनेमिक ट्रेजेक्ट्री कैमरा। दोनों में लगभग 1000 रुपये का अंतर है। तो दोनों प्रोडक्ट अमेज़न पे और हमारे स्टोर पे अवेलेबल हैं। नाइट विज़न कैमरा है। हमारी इस कैमरे किट को लगाने के बाद आपकी कार में बिल्कुल ओरिजिनल किट के जैसा अनुभव होगा। कई गाड़ियों में आप देखोगे आफ्टर मार्केट आप जब लगाते हो, खासतौर से मारुति की कार में, तो वहाँ पे एक ब्लू स्क्रीन आती है गियर चेंज करने के दौरान। इस किट को लगाने के बाद वो ब्लू स्क्रीन नहीं आएगी। सिंपल गियर लगाने के बाद आपको विज़न दिखेगा कैमरा, और गियर निकालने के बाद सीधा आपका रेडियो का मेनू में वो आ जाएगा। यानी कि ब्लू स्क्रीन की गारंटी मैं देता हूँ कि नहीं आएगी आपकी। तो आप इस किट को यूज़ कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, प्लीज़ इस तरह की और वीडियो मैं क्योंकि लाता रहता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर सचमुच में अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।